यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली ग्रेट एंड यू ऑल आर सेफ एट योर होम्स। सो दिस इज द वीडियो आई हैव ऑलरेडी रेड फ्रॉम द टाइटल। आई बॉट एंड ट्राइड द चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम नायका इन ऑल द कैटेगरीज। सो दिस इज द लुक दैट टर्न आउट एंड दे आर सम वेरी वेरी गुड सरप्राइजेज एंड प्रोडक्ट्स इन द वीडियो फॉर यू गाइज, जो आपके नो होश उड़ा देंगे दैट इतने प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट कैसे है। सो इफ यू वांट टू वॉच दैट, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल फाइंड सम रियल जेम्स इन दिस वीडियो। सो बिफोर जंपिंग इन टू द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, आई विल लिंक इट डाउन हेयर। सो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो आई रिसीव 3 बॉक्सेज फुल ऑफ द मेकअप, तो मैंने सारा एक ही में शिफ्ट कर लिया है। सो दिस इज़ अ फुल फेस ऑफ द चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम नायका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम रियली एक्साइटेड। सो लेट्स सी क्या बनता है, क्या होता है। आई लुक क्यूट राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने वॉश करके टोन किया था एंड दिस इज़ द ड्राइस्ट फेस यू गाइस। मैं आजकल अपने स्किन का इतना ध्यान नहीं रख रही हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ। मेरे को बहुत ना टायर्ड, बर्नड आउट एंड अनमोटिवेटेड फील होता है। मैंने ये आज वीडियो भी बहुत देर बाद हिम्मत करके बनाई कि नो आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। सो इसलिए सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ मॉइस्चराइजिंग एंड आपको पता है मेरा फेवरेट था, लास्ट ईयर मैंने बहुत यूज़ किया था एंड दैट वॉज द पॉन्ड्स अल्ट्रा लाइट जेल। बट दिस टाइम मैंने सोचा चलो उससे थोड़ा नो अलग मंगवा लेते हैं, अलग ब्रांड लेकिन सेम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी। सो आई पिक्ड अप दिस, सो दिस इज द लैक्मी पीच मिल्क, वो पॉन्ड्स का था, दैट वॉज ब्लू इन कलर बट दिस वन इज पिंकिश इन कलर। दिस इज अ लिटिल बिट हैवी देन दैट, आई डोंट नो, आई लाइक दैट प्रोडक्ट ज़्यादा इससे। सो या बट इट डज मॉइस्चराइज गुड, यू कैन ट्राई इट आउट। इसका छोटा वर्जन भी आता है, आई थिंक दैट वॉज अराउंड फॉर 60 or 70 बट मैंने थोड़ा बड़ा टब ले लिया, सो दिस इज फॉर 150। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द प्राइमर एंड यू नो दैट मैं प्राइमर इतना यूज़ नहीं करती हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक यूजिंग अ प्राइमर और आई हैव नेवर एवर सीन अ डिफरेंस बाई यूजिंग अ प्राइमर, बट आई एम ट्राइंग टू यूज़ इट कि लेट्स सी वॉट इज़ द डिफरेंस प्राइमर के साथ और प्राइमर बिना मेकअप के। सो फॉर दैट आई पिक्ड अप द चीपेस्ट प्राइमर अवेलेबल वॉज इन साइड। इसका एक और वर्जन आता है दैट इज़ अ ड्यूप और उसकी कॉपी है बेनिफिट पोर प्राइमर, बिल्कुल सेम है, आई थिंक 19-21 का फ़र्क होगा, पैकेजिंग बिल्कुल सेम है। सो दैट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, इसका ही ब्रांड का आता है वो भी। सो ये अवेलेबल था सो आई पिक्ड अप दिस, सो आई टेक अ लिटल बिट दिस मच एंड आई डोंट हैव पोर्स प्रॉब्लम, मेरे इतने पोर्स नहीं है, सो आई डोंट नो मेरे को डिफरेंस इतना दिखता है प्राइमर लगा के। जिनके पोर्स हैं उनको आई थिंक दिखेगा दैट उनके पोर्स थोड़े मिनिमाइज हुए हैं नॉट, बट या इट डज़ ब्लर आउट नो, यहाँ से हल्का हल्का ब्लर आउट कर देता है टू सम एक्सटेंड, सो या इट्स गुड। सो अभी हम फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे, सो उससे पहले आई शो यू द ब्यूटी ब्लेंड। दिस इज़ नॉट मैंने इसमें मंगवाया, आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम पास्ट 2-3 मंथ्स, मैंने लास्ट टू लास्ट आई थिंक नायका हॉल में मंगवाया था। सो जब आप वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर्स टाइप करके स्नो करते हो लो टू हाई का आप फिल्टर लगाओगे, सबसे पहले आपको ब्रॉन्जन के ब्यूटी ब्लेंडर्स मिलेंगे एंड यू गाइस आई वाज शुक बाय दिस, दिस इज़ सो सॉफ्ट, यू सी सी सी। आई बेट यू कि आप ये ले लो, दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड बहुत अच्छा आपका नो मेकअप भी ब्लेंड करते हैं, इतना प्रोडक्ट नहीं सो करता है, इट डज़ थोड़ा सा बट या इट इज़ वेरी गुड फॉर अ बिगनर। दिस इज़ फॉर ₹250 बट नो सेल में मेरे को ₹160 का मिला, आई थिंक अभी भी लगी होगी। सो फॉर द फाउंडेशंस आई हैव पिक्ड अप 2 फाउंडेशंस, सो द फर्स्ट वन इज़ LA18 एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लू हेवन, सो दीज आर बोथ द फाउंडेशंस एंड दोनों की शेड्स मेरे को लगता नहीं मैच होगी इसकी, आई थिंक हो सकती है, आई डोंट नो बट या। सो द ब्लू हेवन इज़ द 8 आवर्स स्टे ऑयल कंट्रोल मैट फाउंडेशन विद SPF, ओ नाइस, SPF 15 फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली स्किन, आई हैव ड्राई स्किन सो या, एंड दिस इज़ फॉर ₹100 यू गाइज, 100 की ये फाउंडेशन है, इसकी क्वांटिटी देख रहे हो आप। इसकी शेड इस पैकेजिंग पे नहीं लिखी है, आई विल मेंशन इट हेयर बिकॉज आई थिंक इसका बॉक्स भी नहीं आया था, ऐसे ही रैप होके आई थिंक आई थी, सो या। सो इसकी शेड आई विल डिस्प्ले इट हेयर
एंड दिस वन इज LA 10 एंड दिस इज इन शेल शेड 03 एंड दिस इज फॉर रुपीज 100. द बोथ आर फॉर रुपीज 100. आई थिंक LA 10 या ब्लू हैवन एक में से किसी पे ऑफ लगा था तो एक में को तो सस्ती पड़ गई थी. आई ट्राई द LA 10 फर्स्ट एंड विल शो यू द क्वान्टिटी. सो ओ माई गॉड, दिस इज रियली थिक. सी दिस इज थिक वन यू गाइस, दिस इज थिक. सो ओ माई गॉड, दिस इज थिक. ओ ओ या इट इज ज्यादा आ गई. On this side, it smells good, you guys. So this is a fragrant product. अगर आपको उससे problem है तो you can skip it. But this smells good. Oh, I think this is my shade. You see, this is the original skin color. Oh wow, good job. It smells good. This has no लो टू मीडियम कवरेज आप इसकी बिल्ड कर सकते हो. बट यू सी इस पे फाउंडेशन नहीं है, इस पे है. ये इवन लग रही है, दिस इज नॉट कि इसने कवर कर दिया है बट ये इवन लग रही है एंड ये मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत अच्छी गई है एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. अब इसने जाके नो कवर कवरेज दी है, अभी भी इतनी नहीं दी. यू कैन सी इट्स स्टिल लुकिंग नेचुरल बट yeah, this is good for a daily wear, guys. So on the other side, I'll be using the Blue Heaven matte foundation. I really don't know. I don't go for generally very very matte foundations. So iski jo applicator hai na, this is very good, you guys. See, I really love the applicator. You can directly. Oh my god, this is too orangish for my skin. Oh my god. Aapko I don't know dikh raha hoga ki nahi, but it has a orange. Tint to it, orange, not yellow but orange. Let's see the coverage. Oh my god, this is matte, you guys. ये मेरे face को ना orange touch दे रहा है and I don't like the orange touch on my face. So इसकी coverage बिल्कुल नहीं है. No. So I am going to go back to my LA 18 foundation. I like this foundation. It's good. The next category was the concealer and you know I love Swiss Beauty concealer as the cheapest or the most affordable concealer in the market. But usse bhi niche do concealers the and that were these from Inside Cosmetics. So the first concealer is this. So iski packaging was so good, you guys. So this is the Inside Cosmetics concealer and I am in the shade NC1 porcelain and I guess this will be light for me. Porcelain aa gaya na. So this is the shade porcelain and this is how it opens. This is a very handy, very good packaging. Spill nahi hogi, tootegi nahi and bahut no aapki pocket, aapke purse, aapke chote se purse mein bhi chale jayenge. So yeah, this is good. So the next uski second type concealer hai. I have a liquid concealer from Inside Cosmetics. So this is the Inside Cosmetics 2x cover master concealer and iski packaging is so good, so luxurious. आई कैंट इवन टेल यू. सो इसके ना हल्के हल्के मेरे को फ्लावर ब्यूटी कंसीलर की जैसी लगती है पैकेजिंग. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड पैकेजिंग यू गाइज. इसका शेड है जो वो है 03 गोल्डन सैंड. दिस वन इज़ फॉर रुपीज़ 100 एंड दिस वन इज़ फॉर रुपीज़ 110. सो ओनली 10 रुपये का फ़र्क है. लेट्स सी विच वन परफॉर्म्स बेटर. सो आप वो ले लेना. So on this side I'll be using this concealer and for on this side ये बोला करेंगे. So let's use. Oh my god, this is too light. Oh my god. No, see इसने इतनी कवरेज नहीं दी एंड ये हल्का हल्का निकल भी रहा है एंड दिस इज नॉट ब्लेंडिंग लाइक इट शुड बी एज अ क्रीम कंसीलर. इसने मेरा सारा बेस खराब कर दिया है. So yes, I don't like this product. So let's see and use this one. I don't know. I think it will work. I think, but it has a yellow tint to it, as you can see. Usme yellow tint nahi tha. It was porcelain. Maine porcelain mangwaya hai kyun? I don't know. Dimag kharab hoga. Okay, it has coverage. It has coverage than this. So yeah, I like this one. And ये blend भी अच्छे तरीके से हो गया है. This is good. So it has not covered that much, but yeah, काम चलाऊ हो गया है. So I think this one is better than the cream concealer.
सो आई हैव दीज टू ऑप्शन फॉर यू गाइज. सो दिस इज फ्रॉम फेसिस कैनेडा. इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं. इफ़ यू हैव वॉच्ड माई चैनल फॉर ओवर वन ईयर, आपको पता होगा, अभी एक साल ही हुआ है गाइस, या सो आपको पता होगा, जब से मैंने ये लिया है आई लव लव दिस कॉम्पैक्ट पाउडर. सो दिस इज इन द शेड नेचुरल 02 एंड दिस गोज वेल विद माई कॉम्प्लेक्शन. So this is good. This is not powdery and this is not collecting on your skin. And the second one is Maybelline Fit Me Compact Powder, the most popular one. So let's see, this is the Maybelline ka. Let me show you the shade difference, you guys. These are, see, this is a yellowish tint, so that is why मेरी skin पर ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रहा है. Everything with the yellowish tint is good for no Indian skin tone, and this is a something whitish. So this is the shade Ivory. Yeah, Ivory में थोड़ा whitish ही होगा ना. Taking this and so I think that's done. It has a little bit more coverage than this. You can see इसने ज़्यादा कवरेज दी है इससे. So इधर भी थोड़ी नो कर ही लेते हैं, इवन हो जाएगा. सो फॉर द आई पैलेट आप प्लीज़ गैस करके बताओ मैंने कौन सा लिया होगा. या ऑलवेज स्विस ब्यूटी इज द मोस्ट फेवरेट. सो आई बॉट अनदर शेड. आई हैव अ प्रीवियस स्विस ब्यूटी पैलेट, आपको पता है, दैट इज आई थिंक 04. हालत अभी ख़राब हो चुकी है यू गाइज, मतलब स्क्रैचेज आ गए हैं, ख़राब हो चुका हुआ है ये. मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ फॉर द डेली वेयर. दिस इज़ माय डेली वेयर पैलेट. इसमें हर कोई शेड है दैट यू वुड रिक्वायर. सो वाज़ द फर्स्ट कलर, उसके बाद मैंने ये लिया था. मैं ये तब यूज़ करती हूँ व्हेन आई हैव टू एड लिटिल बिट ऑफ कलर प्लस मोकी आई. आई लव दिस कलर फ्रॉम दिस. मैं हमेशा अपने आई के ऊपर ऐड कर लेती हूँ. आई यूज़ दीज थ्री शेड्स द मोस्ट आउट ऑफ दिस पैलेट. एंड नाउ जो मैंने शेड लिया है दैट इज़ द 01 शेड. एंड दिस इज़ अ पिंक फैमिली की जो पैलेट होती है ये वो है. ये नेल्स लगा के कैसे लोग काम करते हैं. दिस इज़ फॉर ₹229, दैट इज़ 230, एंड आई थिंक मेरे को 200 के अराउंड मिल गया था ऑन डिस्काउंट. सो दिस इज़ व्हाट द पैलेट लुक्स लाइक. सी द शेड्स आर सो गुड फॉर अ पिंक ग्लैम. एवरी डे हैवी कर लो. दिस आर थ्री शिमर शेड्स, 1, 2, and 3, एंड द रेस्ट आर मैट शेड्स. सो लेट मी स्वॉच. ओ माई गॉड, मेरे को पता है, आई रियली लव दिस पैलेट. लेट्स सी. ओ माय गॉड, दिस इज अ गुड पैलेट यू गाइस. सो टेकिंग द लाइटेस्ट ट्रांजिशन शेड फ्रॉम द मिडल एंड द नेक्स्ट शेड जो ये बरगंडी शेड है यहाँ पे, आई लव बरगंडी शेड्स, तो हम उसको लेंगे. एंड so the eyes are done. So before doing my lower lash lines I will use the brow products. So I got the Swiss Beauty eyebrow pencil in the shade dark brown. So I haven't opened it yet. Let's see. So it comes with the brush. I don't know kitna use hai iska. No, it's harsh. It's harsh. बहुत harsh है ये इसके bristles. Etude House के जो ये है ना, this is very soft. This is very very good. Very good. I really like it. So I will brush it and let's see kaisa hai. Oh my god, this is so good. This is looking so natural, right? I love this. I love love it. For the mascara, I have picked up the Inside Cosmetics. It was the cheapest there. Perfect Mascara Ultra Curl. Iska ek aur version bhi tha. That was around 10-15 rupees hi kam tha. So this is for ₹115 and I think 110 ya 5 ka tha. So I was like, nahi, isko try karte. I like very curled up lashes rather than volume. I like curl. So let's see. Ek side pe hum isko curler ke saath use karenge and ek side pe curler ke bina. So hum dekh paye. It's a huge packaging and the bristles are nice. It's not too big, not too small, and बहुत liquid ही है ये. So this is the one coat. First coat. Wait, we forgot the liner.
पहले हम लाइनर लगाएंगे फिर हम मस्कारा भी आएंगे। सो फॉर द लाइनर आई पिक्ड अप दोस्त, मेरे पास ये कभी नहीं थे, दिस वर द फेवरेट ऑफ एवरी अदर गर्ल, एवरी अदर क्रिएटर आउट देयर जो भी मेकअप करता है सबके पास ही होते हैं, मेरे पास नहीं थे। सो आई गॉट दिस टू इन एन ऑफर, द दो का ऑफर था। सो द वन इज़ फॉर रुपीज़ 130, सो बोथ हो गए 260, आई थिंक 220-230 के अराउंड मेरे को बोथ ही मिल गए थे इन एन ऑफर बाय टू का। सो आई यूज दिस वन बिकॉज या क्या करना है, कर लेते हैं। ओह दिस इज़ गुड, सो आई लाइक दीज टाइप ऑफ लाइनर्स रादर देन जो वो पेन लाइनर्स आते हैं। डोंट नो, मेरे पेन लाइनर से नो अच्छे तरीके से विंग्स या कोई भी शेप नहीं बनती है। आई रियली लाइक दिस टाइप जिसके नो ये पतले पतले हों। सो आई लव दिस, इट्स गुड, द पिगमेंट इज़ गुड, टेक्स्चर इज़ गुड, बहुत अच्छा है। The liner is done and I really love it. So moving back to the one that is called mascara. So I don't know, इतना अच्छा mascara मेरे को नहीं लगा है. It's no, कुछ नहीं किया इसने, कुछ भी नहीं किया, just a water pigment, black water pigment. सीधे मैंने curl तो किए थे, so let's see without the curl. It does add some of the curling effect. ये बस हल्का सा coat कर देगा आपकी lashes को, but not जो हम चाहते हैं एक मस्कारा दे, वो तो बिल्कुल नहीं दिया इसने। सो या दिस इज़ नॉट गुड मस्कारा, आई वॉन्ट रिकमेंड इट, इट्स सो एंड इट्स टू लिक्विडी, आई थिंक इट्स टेकिंग अस सो मच टाइम ऑफ ड्राइंग अप। सो आई डोंट नो, मेरी जैसे तो इसको मतलब मेस कर देगी नीचे जो लग जाएगा, सो दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो या आई थिंक नो इसको नहीं लेना। So almost our look is completed. Let's move to the blush and the highlighter. So for the blush, I have the Blue Heaven blush. So this is a shimmer matte. What is a shimmer matte blush? Either it's matte, either it's shimmer. So let's see. So this is in the shade 503 and it retails for rupees 125, you guys. Agar ye acha hoga, so we will. हमें बहुत अच्छा ब्लश मिल जाएगा बिकॉज आई एम अ सकर फॉर ब्लश, आई लव लव ब्लशेज। सो दिस इज़ अ वेरी कॉरली काइंड ऑफ ब्लश एंड यू कैन सी हल्की सी यहाँ पे शाइन आ रही है। सो आई थिंक या हल्का हल्का इन्होंने इधर शिमर डाला हुआ है। सो ओके, दिस इज पिगमेंटेड, आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ जोकर, सो लेट्स सी। दिस इज गुड, दिस इज गोइंग गुड, या सो या यू कैन सी माई एक्साइटमेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड शेड यू गाइज, लव दिस, लव लव दिस शेड। सो ये दिखने में बहुत कॉरली है एंड यू कैन सी स्किन पे आके ये बहुत अच्छे तरीके से नो ब्लेंड हो रही है, जा रही है, बहुत अच्छा ग्लो दे रही है मेरे फेस को। सो दिस इज़ गुड, आई लव लव दिस शेड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शेड अगर आपको हल्का सा नो कुछ कॉरली आप ढूंढ रहे हो, समवट ऑफ नेचुरल, समवट ऑफ नो आपका वो ऑल इन वन काम करे। सो दिस इज़ गुड शेड। द नेक्स्ट इज़ द हाईलाइटर, सो दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी फैशन हाईलाइटर, दिस इज़ फॉर रुपीज़ 299-300 फॉर अ हाईलाइटर। आई थिंक इट्स गुड बिकॉज स्विस ब्यूटी के अच्छे ऑफर्स लग जाते हैं एंड हाईलाइटर इज़ नॉट दैट चीप यू गाइज, आपको चीप हाईलाइटर्स नहीं मिलेंगे। सो लेट्स सी, सो आई एम इन द शेड 01, मैंने 01 ही ली थी बिकॉज नो इसकी पैकेजिंग इज सो गुड यू गाइज, यू सी इट्स लग्जूरियस पैकेजिंग, I love the packaging. Wow. तो इसका हम देखते हैं, सो दिस इज अ ब्लाइंडिंग हाईलाइटर यू गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाईलाइटर अंडर रुपीज 300 और 500 यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, दिस इज सो गुड। सो दिस इज अंडर अ बजट, पैकेजिंग इज गुड, द पिगमेंट इज गुड, द स्ट्रोक इज गुड, द ब्लाइंडिंग इफेक्ट इज गुड, वॉट एल्स डू यू नीड इन अ 300 गाइस। सो या, सो द लुक इज कम्प्लीटेड, फर्स्ट स्टेप रह गया है जो है वो व्हाट डू यू कॉल द लिपस्टिक, द लिप पार्ट। सो द बोथ थ्री आर फ्रॉम द इनसाइड कॉस्मेटिक, सबसे ज़्यादा चीप इसी के ही थे, इसके बाद स्विस ब्यूटी भी थे, ब्लू हेवन भी थे, बट नो 5-10 रुपये का सब में फ़र्क आए। सो दिस इज़ अ इनसाइड कॉस्मेटिक्स मैन, सबसे पहले आपको लो टू हाई में इसी को ही देखोगे। सो दिस इज इन द शेड A9, सो लेट मी स्वॉच सी, दिस इज अ वेरी रेड कलर, आई डोंट लाइक। So the next one is this. So this is from the Side Cosmetics 04 Neville Nude. So this is a brownish nude kind of, no, कहाँ करूँ swatch.
सो या सो सी दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. लग ब्राउन राइट, इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज टिंट टू इट, सो आई लाइक दैट. हल्का सा ना कई बार ऑरेंजिश ब्राउनिश शेड आपको चाहिए होता है, सो दिस इज गुड. सो द लास्ट वन इज फॉर रुपीज 190. वाओ, सो दिस इज लॉन्ग वेयर 24 आवर स्टे लिप कलर. सो दिस इज इन द शेड 14 शुगर प्लम. सो दिस इज द शेड आई लव. दिस इज नॉट रेड, दिस इज नॉट अ पिंक, दिस इज अ प्लम रेड. आई लव 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 प्लम रेड्स. आई लव प्लम कलर्स मोर देन द रेड्स एंड पिंक्स. आई डोंट नो, मेरे पे बहुत सूट करते हैं. सो दिस इज डन. द लास्ट स्टेप इज द सेटिंग स्प्रे. आई हैव दिस ब्यूटी मेकअप फिक्सर नेचुरल फिक्सर एलोवेरा विद विटामिन ई. एंड यू गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल सेटिंग स्प्रे, दिस इज द वन फॉर यू गाइज. आई हैव यूज इट, यहाँ तक खत्म हो गया है. सो लेट्स सी. सो माई ऑनेस्ट रिव्यूज है गाइज, इफ यू वॉन्ट नो, आपको चाहिए दैट बहुत अच्छा हो. सो दिस हैज एल्कोहलिक स्मेल हिंट, आई वॉन्ट डिनाई द फैक्ट. सो yeah, it's a good affordable option. It's better than the Insight one because that is unbearable alcoholic smell in that, but this has a kind of no bearable ho jati hai and it is long se, it is acha hai iska sara kuch. So yeah, so this is the final look you guys. I love this, love how it turned out. So I love the highlighter, I love the eyeshadow palettes, I love the liner, love the brow product, love, love the blush, love the lipsticks. The only thing that didn't work out was two foundations, L18 and the Blue Heaven. अगर आपने बहुत लेनी ही है तो गो फॉर L18, बट नो, अच्छी मेबलिन आ जाती, यू कैन गो फॉर दैट, बट L18 इज माई फर्स्ट ऑप्शन. सो या, दैट वॉज माई फाइनल वर्डिक्ट. आप अगर कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करके पूछ सकते हो. आई विल आंसर द क्वेश्चंस यू गाइस. सो या, दिस वाज द फाइनल लुक, आई लव इट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. आई होप दैट यू रियली एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.